नमस्कार दोस्तों करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है 15th ऑफ अक्टूबर 2023 आइए देखते हैं पिछले हफ्ते में करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले हफ्ते में जो मेजर इवेंट्स था उसमें से यूएसपी डेटा वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट वॉज वेटिंग फॉर द डेटा वो डेटा के बाद करेंसी पेयर्स में क्या हलचल हुआ है उसके लिए हम चार्ट में चलते हैं ये है आपका डॉलर इंडेक्स चार्ट वीकली क्लोज दिया है आपका 106.67 ये आपका फ्राइडे थर्सडे को जस्ट बिफोर द यूएससीपीए डेटा ये आपका 105.7080 के आसपास था यूएससीपीए डेटा आने के बाद एक अप मूव हमने देखे एंड वीकली क्लोज यहां पे आके दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो सकता है मतलब के लिए हम थोड़ा सा चार्ट में देखते हैं चार्ट डेली चार्ट जो है अभी आर एस एट सिक्सटी टू पॉइंट सेवन वन अभी एक तो है कि मंडे अनवर्स ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना चालू करे दैट मीन्स हंड्रेड एंड सेवन थर्टी से हंड्रेड एंड एट पॉइंट जीरो जीरो जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है उस जोन को चैलेंज करना चालू करे एक बात ये हो सकता है दूसरे बात दोबारा ये दो थर्सडे का लो है इस थर्सडे का लो को नीचे के तरफ तोड़ने के लिए प्रयास करें क्या होगा ये दो एस्पेक्ट्स में से मंडे ऑनवर्ड्स उसके ऊपर हमें नजर रखना है अगर नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स ये थर्सडे के लो के नीचे क्लोज दे देता है इन सचे केस डॉलर इंडेक्स में हम सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एल्स जो प्राइस है साइडवेज टू स्ट्रॉन्ग होने के कगार पे हो सकते हैं सो ओनली वन कंडीशन ट्रस्टडे के लो के नीचे क्लोज देना है अगर डॉलर इंडेक्स को सॉफ्ट होना है तो डॉलर रुपी कंसोलिडेशन जारी है ये रेंज के अंदर में ही अटका हुआ है जो छोटा रेंज है वो है आपका एटी थ्री जीरो ऑन द लोअर साइड एंड एटी थ्री ट्वेंटी ये एक छोटा रेंज है और बड़ा वाला जो रेंज है वो है आपका 82, 80, 82, 90 ऑन द लोअर साइड एंड 83, 30 से 83, 40 के बीच में ऑन द हायर साइड जब तक इनविजिबल हैंड्स ऊपर के तरफ मौजूद है तब तक हमें कोई टेंशन नहीं है लेकिन कोई कारण बश अगर गैप आप ओपन देते हैं कभी भी दैट इज गोइंग टू बी कंसर्न फॉर एवरी उस टाइम पे क्या इनविजिबल हैंड्स अपना प्रेजेंस दिखाएंगे अपना ढाई किलो का हाथ का प्रेजेंस दिखाएंगे या नहीं उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा जेबीपी डॉलर आपका थर्सडे अच्छा कसा, एक शार्प वीकनेस हमने देखे हैं फ्रॉम 1.23 के ऊपर से ये आपका 1.2140 के आसपास है अभी ये देखना है क्या आने वाले दिनों में इस लो को फोर्थ अक्टूबर का जो रिसेंट स्विंग लो बनाया है उसको दोबारा चैलेंज करते हैं एंड नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करने का प्रयास करते हैं या यहां पे कंसोलिडेट करके फिर दोबारा ऊपर के तरफ जाने का प्रयास करते हैं यहां पे जो हमारा पिछले हफ्ते का डेली एनालिस था यहां पे एक नेकलाइन था नेकलाइन के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वन के तरफ जाने का डब्ल्यू पैटर्न के लिए के ऊपर किया सस्टेन भी लेकिन आफ्टर डेटा ये नीचे आ चुका है सो so, यहाँ पे अभी ये जो हमारा डब्ल्यू का जो कैलकुलेशन है वो निगेट हो चुका है अपना टारगेट दिया नहीं है एंड अभी कॉन्सोलिडेशन या नीचे की तरफ ये रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक करता है वो हमें देखना पड़ेगा जीबीपी आये न सिमिलरली यहाँ पे हम ऊपर के तरफ, तरफ हंड्रेड एंड कर रहे थे लेकिन, के बाद एक आया जो के उसमें जीबीपी को काफी कर चुका है अभी क्या ये साइडवाइज कंसोलीट करेगा या स्विंग लो को तोड़ने के लिए टेस्ट करेगा ये हमें देखना पड़ेगा यूरो डॉलर सिमिलर एनालिसिस एक शार्प फॉल फ्रॉम 1.0625 लेवल अभी क्या ये यही स्विंग लो को टेस्ट करता है एंड टेस्ट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है या साइडवेज कंसोलिडेट करता है इसको हमें देखना पड़ेगा यूरो आईएनआर का भी सिमिलर एनालिसिस यहां पे सिर्फ ये आरएसआई जो है ये एट 41.41 क्या ये आरएसआई 40 में सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करता है थोड़े दिनों के लिए या रिसेंट स्विंग लो को टेस्ट कर टेस्ट करता है एंड उसके बाद इसको ब्रेक करने के लिए चैलेंज करता है ये हमें देखना पड़ेगा डॉलर आरियन वन फिफ्टी मैजिक लेवल पे बी का प्रेजेंस का इंतजार है यहाँ पे सेल ऑफ के लिए हम काफ़ी देख रहे हैं लेकिन निशान नहीं है एयन स्ट्रेंदन का सो प्राइस स्ट्रांग है तो स्ट्रांग ये देखना है जब तक कुछ खेल यहाँ पे हम नहीं देखते हैं खेल किसका का बीओ जे का ये नाइनर में भी यहाँ पे कंसोलिडेट करके क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा द केस पे अभी ट्रेंड लाइन जो है ये थोड़ा सा हमने शिफ्ट किया नया ट्रेंड लाइन बनाया अभी ये जो फोर्टी में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है क्या आने वाले दिनों में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देता है एंड फॉलो थ्रू देता है ये हमें देखना पड़ेगा डॉलर कैंडी जो है डॉलर कैंडी में सेंटरवेंट में सपोर्ट लेने के बाद बाउंस कर रहा है ऊपर की तरफ अभी जो मैजिक है ये मैजिक है आर एस एट सिक्सटी डेली में फ्राइडे को एक रेजिस्टेंस लिया है क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे के तरफ दोबारा रिसेंट स्विंग लो को टेस्ट करता है व्हिच इज आल्सो इक्वल टू सेंटर पॉइंट ऑफ दबल इंजरमेंट क्या टेस्ट करेगा एंड उसके बाद टेस्ट करने के बाद क्या इसको ब्रेक डाउन करके नीचे के तरफ आएगा ये हमें देखना पड़ेगा अस्सी डॉलर में यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन था जब यहाँ पे फेल्स ब्रेक फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेक डाउन था उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट मे मूव टूवर्स पॉइंट सिक्स फाइव ये पॉइंट सिक्स फाइव तक आया नहीं पॉइंट सिक्स फोर फोर जीरो तक आया फिर नीचे की तरफ आ गया है दोबारा ये इसको ब्रेक कर रहा है कौन सा ये कॉन्सोलीन ये रेक्टेंगल को अभी प्राइस को नए सीरीज से हमें देखना है क्या ये

प्रेजेंस ना छोड़ दे तब तक ये कंसोलिडेशन कर रहा है इसको कंसोलिडेशन करने देते हैं जब तक कुछ मेजर चेंजेस हम यहाँ पे नहीं देखते अभी ब्रेंड क्रूड ब्रेंड क्रूड जो फ्यूचर है वो क्लोज दिया है 91.18 आप अगर फ्राइडे मॉर्निंग का अगर आप मेरा एनालिसिस देखोगे यहाँ पे हमारा दो एनालिसिस था एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन यानी दोबारा ये चैलेंज करेगा 80 23 और उसके बाद क्या इसको नीचे एक तोड़ेगा नहीं तो वीकली पे एक था ऊपर जाने का कि यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट में सपोर्ट लेने का बाद दोबारा 80 95 96 के तरफ चैलेंज करता है या नहीं अभी आरएसआई वीकली जो है वो है आपका 57.31 क्या इस 60 रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर के तरफ जाता है इन सच ए केस इट इज गोइंग टू टेस्ट 97 वंस अगेन और डेली में ये भी सिक्सटी के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे वन मोर एस्पेक्ट डेली पे अगर देखेंगे पॉजिटिव रेंज शिफ्ट यानी एंड उसके बाद ही ऊपर की तरफ जा रहा है सो so अभी हमारा जो इमीडिएट दो तीन चीजें देखना है

25 सितंबर के हाई को अगर आने वाले हफ्तों में तोड़ देता है तो ये हंड्रेड एंड की तरफ दोबारा मूव करने के लिए तैयार हो जाएगा सो so, यहाँ पे हमें दो दोनों साइड का एनालिसिस को लेके आगे बढ़ना है इंटरने ग्लोबली बाजारी ऐसा है अनसर्टेनिटीज का है स्पेशली ये इसराइल पेलेस्टाइन का जो मीन्स वार है उसमें कितना फर्दर एस्केलेट करेगा या नहीं करेगा अगर एस्केलेट करता है तो क्रूड के ऊपर प्रेशर आएगा अगर एस्केलेट नहीं करता है तो नीचे की तरफ जाएगा उसी को हम डेली चार्ट प्राइस सेक्शन के हिसाब से डेली चार्ट में एंड वीकली चार्ट में हम देखने के लिए तैयार हैं हम ना इधर इन सपोर्ट ऑफ द बुल्स नॉट इन सपोर्ट ऑफ द बेयर प्राइस जिधर जाएगा उधर ही हम मूव करने के लिए खुद को रेडी रखेंगे यूएस ट्रेन ट्रेजरी करने का एक दिया है डेली चार्ट में एक रेन शिफ्ट है अभी टर्सडे के लो के नीचे एक वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू ये ट्रेजरी ये आपका सेंटर में रेजिस्टेंस ले रहा है तो थोड़ा साइज हो सकता है ऑन द हायर साइड फाइव पॉइंट टू जीरो 4.93 के बीच में एक साइडवेज साइडवेज के बाद कौन सा डायरेक्शन में तोड़ता है पॉसिबली ऑन द लोअर साइड अगर तोड़ता है तो बहुत बढ़िया है एंड द डिफरेंस बिटवीन योर 10 ईयर एंड 2 ईयर ट्रेजरी यूएस ट्रेजरी इज आपका 44 बेसिस पॉइंट्स का है सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इप्सू लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल इन अ डॉलर इंडेक्स एक लेवल पे है क्या ऊपर की तरफ दोबारा जर्नी चैलेंज मींस जर्नी मींस तैयार करता है चैलेंजिंग 107.30 108.00 या थर्सडे के लो को तोड़ के नीचे की तरफ आता है ये हमारा इंतजार रहेगा रूपी में जब तक ऊपर की तरफ इनविजलिशन जी कंसोलिडेशन जीबीपी डॉलर में काफी जाता है या पे करके फिर बेस आउट करने का प्रयास करता है ये हमें देखना पड़ेगा यूरो में भी सिमिलरली क्या रिसेंट स्विंग लोग को चैलेंज करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं या यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है एंड डॉलर 150 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे भी हो कुछ हरकत करते हैं या नहीं करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा सो so, अभी के लिए इतना ही विशिंग यू ऑल ए हैप्पी वीकेंड मंडे ऑनवर्ड्स बाजार को नए एनर्जी के साथ देखिए सो so, अभी के लिए इतना ही बाय बाय